एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। और करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो सुबह की मेरी पूजा जस्ट अभी हुई है, तो हमारे यहाँ से कोई स्पेशल पूजा नहीं होती है जैसे कि बहुत सारे लोगों में सर्गी होती है और ऐसा कुछ। तो ये नॉर्मल जैसे सुबह उठ करके और सबसे पहले भगवान की पूजा नहा धो करके जो की जाती है, ये वो मैंने करी है अभी। एंड अब दिन की शुरुआत होगी और देखते हैं आज क्या क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरी मेहंदी वैसे मैंने लास्ट व्लॉग फिनिश करते करते भी दिखाई थी आपको। सो ये है मेरी मेहंदी। अब बस मैं चेंज करूंगी नेल पेंट मेरी ड्रेस से मैचिंग की। मेरे पास में कांच की चूड़ी नहीं थी, रेड कलर की मेटल की थी, तो मैंने इसलिए कांच की पहनी, ऑरेंज कलर, वो भी अच्छा लग रहा है। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। तो अभी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे पहननी है वो मैंने सोचा मैं कैमरा ऑन करके और फिर आप लोगों के साथ में शेयर करते करते फिर चेंज करती हूँ। जैसे कि मैं अभी पहनूंगी ये वाली पायल, ये मेरी शादी के टाइम की पायल है, ये जो मेरी मम्मी ने दी थी। और बाकी की मेरे पास एक्चुअली बहुत सारी पायल है, लेकिन यहाँ पर मैंने जो भारी वाली है उसमें सिर्फ यही रखी है और बाकी ऐसे नॉर्मल चेन है जो मेरी मदर इन लॉ ने दी है, वो सब मैंने लॉकर में रखा हुआ है वही मेरे ससुराल में। तो यहाँ पर मैंने जैसे फेस्टिवल्स के लिए बस इसको रखा हुआ है, तो ये पहनूंगी मैं अभी। एंड बिछिया चेंज करूंगी मैं, ये वाले बिछिए पहनूंगी, काफी सुंदर है ये देखिए। ये मैं हमेशा सिर्फ फेस्टिवल में पहनती हूँ और फिर उसके बाद उतार करके रहती हूँ। थोड़े से भारी है तो डेली इसको पहनने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, इसे फोकस नहीं कर रहा ना, ये देखो, तो डेली पहनने का कोई सवाल नहीं उठता, कोई बहुत ही हैवी है तो सिर्फ फेस्टिवल के टाइम पर पहनती हूँ इसको। देन आज मैं सोच रही हूँ मैं नोज रिंग पहन लूँ छोटी वाली, तो ये देखिए ये गोल्ड की है छोटी सी नोज रिंग, तो ये पहनूंगी। मुझे पता है ऐसा लगता है कि मेरे फेस पर नोज रिंग अच्छी नहीं लगती है, बट अभी आज करवा चौथ है तो आज पहन सकती हूँ, तो आज पहनूंगी, तो एक दो दिन पहन करके रखूंगी फिर इसको उतार करके रखूंगी। सो ये पहनूंगी आज मैं। एंड अभी ये मैंने सिर्फ बेसिक वाला जो मेरा ये मंगलसूत्र है ना, जिसमें मैंने सिर्फ ये कुछ गोल्ड की मोतियाँ ऐसे ही रखी थी मेरे पास, तो मैंने ये सिंपल सा बनवा लिया था, तो उसको उतार करके मैं अभी अपना ये वाला मंगलसूत्र पहन लूँगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नेल पेंट चेंज करना, नेल पेंट बहुत ख़राब हो गई है। तो ये मैंने मंगवाया था फेसेस कैनेडा का है, मरून शेड, ये मैं अभी लगाऊंगी। तो शुरुआत आई थिंक ज्वेलरी से कर लेती हूँ एंड फिर लास्ट में नेल पेंट लगाती हूँ। नेल पेंट तो मैंने लगा ली, बट मैं नोज रिंग चेंज नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली क्या, मुझे याद आ गया कि मैं जब इसके पहले भी वो नोज रिंग पहनती थी ना, तो वो निकालना इतना मुश्किल होता है, उसको प्रेस करके वो ओपन ही नहीं होता है नाक में डालने का, बहुत ही मुश्किल से होता है। तो फिर यार वो बाद का स्ट्रेस मुझे नहीं चाहिए कि नोज रिंग पहन तो ली बट वो निकल नहीं रही है, तो इसलिए मैं नहीं चेंज करी, मैं आज यही पहन करके रहूँगी। तो नेल पेंट हैंड में भी लगा ली और पैर में भी, अब हाथ बड़े अच्छे अच्छे से लग रहे हैं, सुंदर सुंदर से। अब एक आध अच्छी फोटो खींचती हूँ और इंस्टा पर डालती हूँ। सो अभी शाम हो गई है और अभी मैं करने वाली हूँ जो पूजा होती है ना, जो उसमें करवे की स्थापना कर देते हैं, देन कैलेंडर भी लगा देते हैं, कथा सुन लेते हैं, आरती कर लेते हैं, वो अभी मैं करने वाली हूँ। तो मैंने सारी प्रेपरेशन यहाँ मेरे आसपास करके रखी है, दिखाती हूँ आपको। और फ्रूट्स एंड ऑल है, देन ये है जो करवा चौथ की थाली वाली और पूजा का थोड़ा और सामान, देन ये है सुहाग का सामान और ये है कैलेंडर। तो अब मैं ये सब वन बाय वन लगा लेती हूँ। Thank you.
सो मेरी पूजा हो गई, आरती हो गई, मतलब यहाँ की तो पूजा कंप्लीट हो गई है। अब बस रात में चंद्रोदय आई थिंक 8:45 का टाइम है, तब आराम से जो मैं रेडी होंगी वो होंगी। ये तो मैंने जो सुबह से पहना था उसी गेटअप में मैं रेडी हो गई। बीच में थोड़ा चेंज किया था क्योंकि मैंने रेस्ट किया था, फिर जब पूजा का टाइम आया तो मैंने वापस यही पहन लिया। देखिए ये है मेरी पूजा। तो अब फाइनली मैं किचन में आई हूँ। यार ये लाइट ना ब्लिंक कर रही है, लूज आई थिंक कनेक्शन, देखो फिर के देख। हाँ जी, तो मैं आ गई हूँ अब किचन में। आज इस बार थोड़ी लेट हूँ, नहीं तो हर बार मैं, मेरा इतने टाइम तक के कुकिंग सब हो जाते हैं, मैं रेडी होने वाली रहती हूँ, बट इस बार मैं लेट हूँ, नहीं पता क्यों। सो वैसे ये अच्छा भी है लेट होना, क्योंकि क्या है कि फिर नहीं तो क्या होता, रेडी होगा कि फिर चांद का वेट करते रहो, चांद कब आएगा। इससे बेटर आराम से खाना बनाओ, रेडी हो गया अब तब तक चांद आ जाएगा। तो मैं अभी बनाने वाली हूँ पूड़ी, पहले सोची थी बट पूड़ी नहीं बनाएंगे, मन नहीं है ऑयली खाने का, मतलब खाया नहीं जाएगा फास्ट तोड़ के। तो मे बी मैं रोटी या पराठा बनाऊँ, और साथ में पनीर की सब्जी, राइस, और मैं चूरमे के लड्डू बनाने वाली हूँ। पहले मैंने खीर सोचा था बट मेरी मदर इन लॉ ने बताया कि हमारे यहाँ चूरमा चढ़ता है, चूरमे का लड्डू चढ़ता है चौथ माता को और गणेश जी को, तो मैं चूरमे के लड्डू बनाने वाली हूँ। तो बस अभी फटाक से बाटी इसमें बनने को रखूंगी माइक्रोवेव में, और एक तरफ सब्जी वगैरह की प्रिपरेशन चालू करूंगी। आई थिंक आधे घंटे में आराम से हो जाएगा मेरा काम, तो फटाफट करती हूँ पूरा बना के फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। मेरे चूरमे के लड्डू रेडी हैं, और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ एक्चुअली बनाते बनाते। यहाँ मेरी सब्जी भी रेडी है, ये पनीर की सब्जी, राइस रेडी है, बस पूड़ी बनाना, राइस भी रेडी है बस पूड़ी बनाना है, तो वो मैं खाने के टाइम पर बनाऊंगी। और मेरी बिंदी बहुत पसीना आ रहा था, बहुत काम किया यार जल्दी जल्दी, और मैं लेट हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। मेरे पास मतलब 8:45 का टाइम है, 8 बज गए हैं, मतलब चंद्रोदय का टाइम 8:45 का, 8 बज चुके हैं। अब बस मैं पूजा की थाली रेडी कर लेती हूँ, जो नीचे ले जाना है चंद्रदेव के दर्शन के लिए, वो वाली थाली बस रेडी कर लेती हूँ, फिर मैं फटाफट फेस वॉश वगैरह करके और रेडी होती हूँ। बिकॉज रेडी होने के साथ भी नो कॉम्प्रोमाइज, प्रसाद बन गया है मेरा, ये भी थोड़ा यहाँ पे चौथ माता को भी चढ़ा देती हूँ, और नीचे चंद्रदेव को भी यही चढ़ेगा, और गणेश जी को भी यही लड्डू पसंद होते हैं, तो इसलिए ये बनाया है। तो बस ये सब काम थाली वाली जल्दी से रेडी करती हूँ, फिर रेडी होंगी। मैंने सोचा था यार कि मैं हेयर अच्छे से कर्ल करूँगी, अच्छे से रेडी होंगी, बट अभी मेरे को बहुत कम चांसेस लग रहे हैं कि मैं वो सब कर पाऊँगी, देखते हैं। सो हो गई हूँ मैं रेडी, और बहुत ही क्विकली हुई हूँ, बट थैंकफुली मतलब इस बार पहली बार ऐसा लग रहा है मुझे कि चांद लेट आ रहा है ना, तो मुझे थोड़ी सी मतलब सहूलियत मिल गई। 9 बज गए अभी तक चांद आया नहीं है, और मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने थोड़े बहुत कर्ल कर ही लिए बाल। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे को ज्वेलरी डिसाइडेड नहीं थी, तो मैंने वही पहन लिया झुमके, एंड ये मैंने लहंगा पहना है, अभी पूरा लुक दिखाऊंगी आप लोगों को। और क्या, और हाँ, और इस बार बहुत मतलब इस बार थोड़ा मतलब जल्दबाजी में हुआ सब, तो मैं अपने पैरों में आलता भी नहीं लगा पाई, और अब टाइम नहीं है, अब नहीं लगा रही, क्योंकि अब हो सकता है थोड़ी देर में मुझे जाना पड़ जाए नीचे। तो कुछ पिक्चर्स क्लिक कर लेती हूँ, ठीक है, इंस्टा के लिए।
सो आ गई मैं पूजा करके, और पूजा भी बहुत अच्छे से हो गई। अभी बज रहे हैं अराउंड 9:30, तो मैं सब थोड़ी देर से खाएंगे हम लोग खाना। एंड इस बार मैंने जितना अच्छा सोचा था वैसा मैं नहीं रेडी हो पाई, बट स्टिल लास्ट टाइम बहुत अच्छे से रेडी हुई थी। और मुझे मेरे लास्ट टाइम का लुक जो था करवा चौथ का, वो अभी तक का सबसे सुंदर लुक लगा है, क्योंकि उस टाइम पर मैं बहुत पतली भी हो गई थी। मैंने जो पूरा गेटअप लिया था वो बहुत अच्छा था, बट अब कोई बात नहीं, इस बार भी ठीक है। ये लहंगा एक्चुअली मेरे पास में पिछले साल से रेडी रखा हुआ था, तो इस बार मैंने सोचा मैं यही पहन लूंगी। बस पिंपल भी इस बार इतना बड़ा हो गया, ये वाला ये तो हर बार तो थोड़े छोटे होते हैं, मतलब पिछले कुछ दिनों से जो हो रहे थे, ये वाला तो बहुत ही बड़ा हो गया। एक भी मेरी अच्छी फोटो नहीं आई इस बार जो मैं इंस्टा पर डाल सकूं, तो मैं वही अभी थोड़ी सैड थी, इसलिए मैं अभी ड्रेस चेंज नहीं कर रही हूँ। अभी मैं कुछ फोटोज और क्लिक करूंगी, फिर उसके बाद मैं ड्रेस चेंज करूंगी। फाइनली मैं घर की ड्रेस में आ गई, जिसमें मुझे सबसे अच्छा लगता है कंफर्टेबल। सुबह से तरस रही थी इसमें ये पहनने के लिए मैं, और हो गया खाना वगैरह, ये लोग खा रहे हैं अभी सामने बैठ करके। और मैं क्या बोलती, मैंने अभी इंस्टा पर मेरी फोटो डाली अभी करवा चौथ की, तो बहुत सारे लोग पूछ रहे कि कहाँ से मंगवाया। तो मैंने लास्ट ईयर ये ड्रेस, मतलब मुझे ये जोश इंडिया वालों ने भेजी थी, मेरी लिपस्टिक निकल गई है ना, तो लास्ट ईयर जोश इंडिया वालों ने मुझे भेजी थी, तो मैंने तभी स्टिच करा ली थी। आप मेरा अगर जोश इंडिया लहंगा ऐसे सर्च करना, प्रीति प्रणव जोश इंडिया लहंगा रिव्यू, तो आपको मिल जाएगा वो वीडियो, उसमें मैंने इस लहंगे का रिव्यू शेयर किया है। तो बस ये है, अभी इस वीडियो में यहीं पर एंड कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं थोड़ा मेकअप वगैरह निकालूंगी, अब आराम करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना। बाय बाय।